हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सॉवर्निटी। इस वीडियो में मैं सॉवर्निटी, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और फीचर्स और साथ में इसके एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ बेल, ये जो लाल बटन है नीचे, उसको प्रेस कर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरू करूंगा, जो कि पेपर में आपने लिखनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको सॉवरेनिटी को लेकर, आपने इंट्रोडक्शन के साथ अपने आंसर को शुरू करना है। तो हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन में बताने लगा हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी करती है, स्टेट की और गवर्नमेंट की। प्रोफेसर जो गार्नर थे, उन्होंने क्या बोला था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। उसने एक स्टेट को फोकस किया था कि पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत भी स्टेट के साथ होती है और इसका अंत भी स्टेट के साथ होता है। मतलब छोटे शब्दों में, कम शब्दों में पॉलिटिकल साइंस हमें स्टेट के बारे में अच्छे से बताती है, ये प्रोफेसर गार्नर ने बोला था। अब जो स्टेट है, इसको बनाने के लिए चार इसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होती है हमारे पास। एक स्टेट को बनाने के लिए हमारे पास चार इसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में जो स्टेट एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने अच्छे से बताई हैं कि स्टेट क्या होता है, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले स्टेट को बनाने के लिए हमें एक टेरिटरी चाहिए। टेरिटरी मतलब भूभाग, भूभाग मतलब एक लैंड हमें चाहिए। दूसरा, स्टेट को बनाने के लिए उस लैंड पर रहने वाली एक पॉपुलेशन चाहिए। और तीसरा, स्टेट के लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट, जो कि उन लोगों की अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के ऊपर वो सत्ता कायम करे, लोगों के ऊपर राज करे, लोगों के लिए लॉज बनाए, बेनिफिट के लिए लोगों के लिए काम करे। इन तीन एलिमेंट्स के अलावा एक एलिमेंट्स होता है सॉवर्निटी, जो कि स्टेट को बनाने के लिए बड़ा ही इसेंशियल एलिमेंट है। इन चारों एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो तो स्टेट बनता है। स्टेट का मतलब यहाँ से क्या है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये स्टेट का मतलब इस कंट्री से है यहाँ पे। तो सॉवर्निटी जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का, इसके बिना स्टेट कभी नहीं बन सकता। ये इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि अगर एक कंट्री के पास ये तीनों एलिमेंट हों फिर भी वो स्टेट नहीं बनेगा जब तक उसके पास सॉवर्निटी ना आए। मैं इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया जो था 1947 से पहले, 47 नहीं, बेसिकली 1950 ही बोल लो आप, 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले, 1947 में आज़ादी मिली उससे पहले इंडिया के पास टेरिटरी भी थी अपनी, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, इंडिया के लोग गवर्नमेंट में अपॉइंट होते थे, लेकिन वहाँ पे सॉवर्निटी नहीं थी। सॉवर्निटी नहीं थी तो इंडिया एक स्टेट नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास सॉवर्निटी भी आ गई, इंडिया एक सॉवरन कंट्री बन गया, अब इंडिया एक कंट्री बन गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। तो सॉवर्निटी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड दिस सॉवर्निटी मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट। इट मीन्स अ सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट कैन ऑर्डर टू इट्स सब्जेक्ट्स, नॉट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट बट कैन ऑर्डर। स्टेट जो है वो इसी पावर की वजह से लोगों को ऑर्डर कर सकता है, ना कि लोगों से ऑर्डर रिसीव कर सकता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। अब शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ सॉवर्निटी की, तो सबसे पहले एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात कर लेते हैं कि टर्म आई कहाँ से है। तो दो, ये जो टर्म सॉवर्निटी है यह लेटिन लातिनी भाषा के एक वर्ड है। सॉवर्निटी का कोई हिंदी में वैसे संप्रभु सत्ता बोलते हैं, संप्रभुता, संप्रभु सत्ता कुछ ऐसा वर्ड है, आप एक बार नेट पे सर्च भी कर लें जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो ये जो सॉवर्निटी है, ये टर्म लैटिन टर्म के वर्ड सुप्रेनस, सुप
रैनस से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम, और हम बोल सकते हैं पैरामाउंट, जिसका मतलब होता है सुप्रीम और पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब जो सबसे ऊपर हो। तो द वर्ड सॉवरेनिटी हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन टर्म सुप्रेनस विच मीन्स सुप्रीम और विच मीन्स पैरामाउंट। देयरफॉर सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। क्या होती है सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। एक स्टेट की जो सुप्रीम पावर है उसे सॉवरेनिटी बोला जाता है। ये एक एटमोलॉजिकल मीनिंग है, और जनरल मीनिंग भी आप यही लिखोगे, द सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के पास जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? सुप्रीम पावर का मतलब है कि स्टेट लॉज बना सकता है, स्टेट पॉलिसीज बना सकता है, स्टेट इंटरनेशनल रिलेशंस बना सकता है, स्टेट दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स बना सकता है, स्टेट लॉ बना के लोगों को रेगुलेट कर सकता है। क्यों स्टेट ये काम कर सकता है? क्योंकि स्टेट के पास सॉवरेनिटी है, क्योंकि स्टेट के पास सुप्रीम पावर है। मैं एक लॉ बनाकर लोगों को रेगुलेट नहीं कर सकता। मैंने कानून बना दिया और मैं सोचूं सभी लोग उसे फॉलो करें, नहीं करेंगे। पर स्टेट लॉ बना दे तो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, अनलेस अनटिल स्टेट उस लॉ को खत्म ना कर दे खुद। जैसा कि फार्म्स एक्ट में हुआ, क्या हुआ फार्म्स, जो हमारे एग्रीकल्चर के जो एक्ट बने थे किसानों के लिए, उसमें क्या हुआ, लॉ बना दिए गए थे, तीन एक्ट बन गए थे। तो जब तक स्टेट ने, स्टेट मतलब हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक उन लॉज को ख़त्म करने की घोषणा नहीं कर दी, तब तक आंदोलन जारी था, तब तक एजिटेशन जारी था। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब तक गवर्नमेंट इस लॉ को ख़त्म नहीं करेगी, हमारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, हमें मानना ही पड़ेगा, लॉज को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के पास सुप्रीम पावर है। स्टेट लॉज बना सकती है और खुद ही रिपील करेगी, तभी लोग जो है उस लॉ को मानने के लिए बाउंड नहीं है। नहीं तो वो लॉ जैसा मर्जी हो, सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, लोगों को वो लॉज मानने पड़ते हैं। तो व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ विच अ स्टेट कैन रेगुलेट इट्स पीपल, विद द हेल्प ऑफ विच अ स्टेट कैन मेक लॉज फॉर एवरीवन इन द कंट्री, विद द हेल्प ऑफ विच अ स्टेट कैन गिव ऑर्डर्स टू इट्स सब्जेक्ट, with the help of which state would not be responsible to take orders from the people of the country। I hope आपको समझ आ रहा होगा what is sovereignty। Sovereignty मतलब supreme power, जिसकी वजह से एक country जो है वो अपने लोगों को regulate करती है, उनके लिए laws बनाती है, उनके ऊपर laws अपने जो है वो लागू करती है, forcefully भी करती है, और लोगों को laws मानने भी पड़ते हैं। जब तक state नहीं चाहेगा, जब तक स्टेट उस लॉज को रिपील ना कर दे, लोग अपनी मर्जी से उस लॉ को ना माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिस इज द सॉवरनिटी। अब कुछ डेफिनेशंस लेते हैं जिससे सॉवरनिटी का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो सबसे पहले जीन बोडिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जीन बोडिन ने सॉवरनिटी के कंसेप्ट में, इवन ग्रोटियस जो हमारे हैं ह्यूगो ग्रोटियस स्कॉलर, उन्होंने भी इस सॉवरनिटी के कंसेप्ट को डेवलप करने में काफ़ी रोल प्ले किया है। तो जीन बोडिन क्या बोलते हैं, सॉवरनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेंड बाई लॉ। क्या लिखा हुआ है कि सॉवरनिटी क्या है भाई? सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर किसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है? सिटीजन्स के ऊपर, एक स्टेट ने अपने सिटीजन्स के ऊपर, और जो उसके बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन सिटीजन है, जैसे कि कंपनीज हो गई, जैसे कि फर्म्स हो गई, क्योंकि एक कंट्री में लोग तो आते हैं, सिटीजन्स तो आते हैं, फर्म्स और अपनी कंपनीज, अपनी इंडस्ट्रीज जो एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है, उनको नॉन सिटीजन बोला जाता है। तो सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी सुप्रीम पावर है। किसके ऊपर एक्सरसाइज करी जाएगी स्टेट के जरिए? सिटीजन के ऊपर या बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर? बाकी सब्जेक्ट्स में कंपनीज वगैरह आ जाएंगी। अनरिस्ट्रेंड बाय लॉ, और ये पावर जो है वो लॉ के जरिए रिस्ट्रेंड नहीं है, अनरिस्ट्रेंड है। सॉवरन जैसे मर्जी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, अर्थात स्टेट अपनी पावर का यूज़ करके लोगों को रेगुलेट कर सकता है किसी भी तरीके से, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा क्या है, लास्की, जो एच जे लास्की है वो क्या बोलते हैं हमारे, एच जे लास्की के अनुसार अ सॉवरन इज लीगली सुप्रीम। सॉवरन जो है वो लीगली सुप्रीम है, लॉ के जरिए वो सुप्रीम बनाया गया है, ओवर एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के ऊपर वो सुप्रीम है, और ग्रुप या ग्रुप के ऊपर सुप्रीम है, एंड पोजेस सुप्रीम कोर्सिव पावर, और उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्सिव पावर है। क्या लिखा हुआ है, लास्की ने बोला हुआ है कि जो सॉवरन है वो लीगली सुप्रीम है, लीगली सुप्रीम है,
लोगों के ऊपर या फिर ग्रुप्स के ऊपर, और वो पोजेस करता है सुप्रीम कोर्सिव पावर। सुप्रीम कोर्सिव फोर्सफुल पावर वो पोजेस करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एच जे लास्की। तो आई होप आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब एक मैं अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू बर्गेस, सोवरेनिटी इज द ओरिजिनल एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। सोवरेनिटी क्या होती है? एक ओरिजिनल, एक एब्सोल्यूट, बिना किसी कंडीशन के, अनलिमिटेड, बिना किसी लिमिट के एक पावर है स्टेट के पास, जिस जो कि एक्सरसाइज की जाती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब सिटीजन्स के ऊपर। तो इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद, मीनिंग को पढ़ने के बाद, हमें एक बात पता चलेगी कि सोवरेनिटी क्या है, कि भाई ये सुप्रीम पावर है। सोवरेनिटी क्या है? इट इज़ अ सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर किसकी? स्टेट की। इट इज अ सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट का मतलब हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, पंजाब वाले राज्य से मत लेना। स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट की सुप्रीम पावर। ये सुप्रीम पावर क्यों मिलती है स्टेट को? इसलिए मिलती है कि स्टेट जो है वो अपने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। स्टेट जो है लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए लॉज बना सकता है, पॉलिसीज बना सकता है, फॉरेन कंट्री के साथ लिंक बना सकता है, रिलेशन बना सकता है, फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी बना सकता है। इसी सॉवरेनिटी की वजह से आज इंडिया अमेरिका के साथ, इंडिया अफगानिस्तान के साथ, इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ, रशिया के साथ संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो सॉवरनिटी ही एक पावर है जो स्टेट को एग्जिस्टेंस में लाती है। अगर सॉवरनिटी ना हो तो स्टेट नहीं हो सकता। इंडिया 1950 से पहले सॉवरन नहीं था, स्टेट भी नहीं था। सॉवरन क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया अपने लोगों के लिए, इंडिया के लोग खुद अपनी गवर्नमेंट में आकर लोगों के लिए लॉज नहीं बना सकते थे। इंडिया दूसरी कंट्री के साथ मिलकर रिलेशन नहीं बना सकता था। जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, इंडिया के पास सॉवरनिटी आई, अब इंडिया एक सॉवरन कंट्री, एक स्टेट है। तो हमें पता चल गया कि सॉवरनिटी का सिंपल सा मतलब है सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट, जिसके माध्यम से स्टेट अपने लोगों को कंट्रोल करता है, उनके लिए लॉज पॉलिसीज बनाता है और फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जो कि एक स्टेट को एग्जिस्टेंस में आने के लिए सॉवरनिटी बहुत ही जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं सॉवरनिटी के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एलिमेंट, कुछ भी बोल लो आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं सॉवरेनिटी की नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करूं, तो सबसे पहला जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है। जो सॉवरेनिटी है मतलब जो सुप्रीम पावर है स्टेट की, सुप्रीम पावर है जो स्टेट की, वो एक एब्सोल्यूट पावर है। वो कोई कंडीशनल पावर नहीं है, वो कंडीशन के साथ नहीं मिलती है, ये अनलिमिटेड पावर है। एक स्टेट को सॉवरेनिटी मिली है मतलब अब स्टेट कुछ भी कर सकता है, स्टेट लोगों के लिए लॉज बना सकता है, जैसे मर्जी लॉज बना सकता है। हाउएवर, वो लॉज अगर ठीक नहीं हुए तो जुडिशरी उनको स्टक डाउन कर सकती है, पर स्टेट तो बना सकता है ना। स्टेट के पास तो पावर है वो काम करने की, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि सॉवरेनिटी हमेशा एब्सोल्यूट होती है, बिना किसी कंडीशन के साथ होती है, बिना किसी लिमिट के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि अ स्टेट कैन एक्सरसाइज सॉवरेनिटी इफ दैट कंडीशन फुलफिल्स। नो, स्टेट हैज सॉवरेनिटी, स्टेट कैन एक्सरसाइज सॉवरेनिटी इवन विदाउट एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, बिना किसी कंडीशन के एब्सोल्यूट होती है सॉवरेनिटी। दूसरा जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, वो है सॉवरेनिटी परमानेंट है। सॉवरेनिटी परमानेंट है, ये कोई टेम्पररी नहीं होती। सॉवरेनिटी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक एक स्टेट एग्जिस्ट करता है। आज स्टेट बन गया, जब तक स्टेट एग्जिस्ट करेगा, वर्ल्ड में इसका नाम रहेगा, सॉवरेनिटी स्टेट के पास होगी, क्योंकि बिना सॉवरेनिटी के स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो जो सॉवरेनिटी है वो परमानेंट है। वो एक स्टेट का जो हेड होता है उसकी डेथ से ख़त्म नहीं होती, उसके बदलने से ख़त्म नहीं होती। एक कंट्री है, उसमें किसी की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बदल जाएगी, अब नई गवर्नमेंट आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने वाली गवर्नमेंट के बदलने से सॉवरेनिटी ख़त्म होगी। नो, या एक कंट्री का हेड है, उसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है सॉवरेनिटी ख़त्म होगी। नो, सॉवरेनिटी नेक्स्ट हेड को पास हो जाएगी। सॉवरेनिटी परमानेंट होती है, टेम्प्ररी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे यूनिवर्सल।
जो सॉवरनिटी है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब है सॉवरनिटी हर एक व्यक्ति के ऊपर एक्सरसाइज होती है, हर एक कंपनी के ऊपर कंट्री में एक्सरसाइज होती है, हर एक चीज़ के ऊपर एक्सरसाइज होती है। सॉवरनिटी का यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक देश सॉवरन है वो केवल इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर कर सकता है, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए लॉ बना सकता है, बस बाकियों के लिए नहीं। नो, देश सॉवरन है, उसके पास सॉवरनिटी है, इसका मतलब वो सॉवरनिटी यूनिवर्सल है, हर एक व्यक्ति के ऊपर वो सॉवरनिटी एक्सरसाइज हो सकती है, हर एक कंपनी, हर एक फर्म, हर एक उस चीज़ के ऊपर जो एक कंट्री में है उसके ऊपर सॉवरनिटी एक्सरसाइज की जा सकती है, सॉवरनिटी यूनिवर्सल होती है। यहाँ पे आपको बता दूँ, हाउएवर जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं, दूसरी कंट्री के हेड्स होते हैं, वो कभी कभी क्राइम करने के बाद हमारे एक कंट्री के लॉज में से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अमेरिका का कोई पर्सन है जो कि डिप्लोमेट है और या अम्बेसडर है, वो इंडिया में क्या करता है, इंडिया में क्राइम कर देता है, तो जो इंडिया का लॉ है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उसे अमेरिका के लॉ के जरिए गवर्न किया जाता है। तो आप बोलोगे फिर इंडिया का लॉ तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, क्यों, यूनिवर्सल तो हुई नहीं फिर सॉवरनिटी, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है हर एक बंदे के ऊपर सॉवरनिटी एक्सरसाइज की जा सकती है, पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, पर यहाँ पे जो अमेरिका वाला बंदा था उसके ऊपर तो इंडिया ने अपनी पावर एक्सरसाइज करी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये पॉइंट ग्रोटियस जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के फादर हैं उन्होंने भी क्लियर किया है कि ये इंडिया की सॉवरनिटी ही है जिसकी वजह से इंडिया फॉरेन कंट्री के लोगों को एग्जेम्पशन दे रहा है, उनको छूट दे रहा है अपने इंडियन लॉ से गवर्न होने पर। ये इंडिया की सॉवरनिटी तो है, इंडिया चाहे तो लॉ बनाए और बोले नहीं जी जो फोन का डिप्लोमेट है वो भी हमारे इंडिया के अंडर क्राइम करने पर इंडिया के लॉ के जरिए गवर्न होगा, तो होना पड़ेगा। ये इंडिया की सॉवरनिटी है कि इंडिया ने उसको एग्जेम्पशन दी हुई है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ सॉवरनिटी, ये भी यूनिवर्सलिटी ही तो है। आई होप आपको तीन पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्तों, आप ये लिखोगे कि सॉवरनिटी इनअलाइनेबिलिटी, इनअलाइनेबल होती है, अर्थात अनट्रांसफर एबल, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, सॉवरनिटी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति या मतलब एक स्टेट अपनी सॉवरनिटी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे। सॉवरनिटी एक सुप्रीम पावर है, एक एब्सोल्यूट पावर है, एक ओरिजिनल पावर है, और ये पावर एक स्टेट दूसरे स्टेट को नहीं दे सकता अपनी मर्जी से। और अगर अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपनी ये पावर दे दे, इसका मतलब जो पहले वाला स्टेट है जो अपनी पावर किसी को दे रहा है वो फिर अब स्टेट नहीं रहता, उसने अपनी सॉवरनिटी को वेव ऑफ कर दिया, दूसरी कंट्री को अपनी सॉवरनिटी दे दी, अब दूसरी कंट्री उसके ऊपर राज करेगी, उसके ऊपर जो है वो सत्ता कायम करेगी, और दूसरी कंट्री जो है, दूसरा स्टेट है, वो स्टेट बन जाएगा, वो पावर में आ जाएगा, और जिसने अपनी सॉवरनिटी किसी को दे दी अब वो स्टेट नहीं होगा। मतलब एक सॉवरनिटी जो है, एक सुप्रीम पावर जो है, वो ऐसी नहीं है कि किसी को भी ट्रांसफ़र कर दी कि तुझे ट्रांसफ़र कर दी तू सुप्रीम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्टेट अपनी सॉवरनिटी को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, आप ये बात भी इसमें लिखोगे। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो, इनडिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। जो सॉवरनिटी है वो डिवाइड नहीं की जा सकती, उसे बांटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि एक सॉवरन जो है वो कुछ अपनी पावर्स किसी और को दे दे और कुछ पावर्स फिर कहीं और दे दे और सॉवरनिटी डिवाइड होगी। नो, ऐसा नहीं होगा। सॉवरनिटी बस एक के पास होती है, वो स्टेट होता है, स्टेट के अंडर गवर्नमेंट काम करती है, उसके पास वो सॉवरनिटी होती है, वो हर जगह नहीं बांटी जा सकती, डिवाइड नहीं की जा सकती। कभी कभी स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई जो फेडरल स्टेट है, फेडरल स्टेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि फेडरल क्या होता है। फेडरल में बेसिकली पावर का डिवीज़न होता है स्टेट में और सेंटर में। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड स्टेट यूज़ किया, इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जो हमारे स्टेट्स होते हैं उससे मतलब है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक तो पावर सेंटर के पास होती है, वो लॉज बना सकती है पूरे कंट्री के लिए, और कुछ पावर स्टेट्स को दी होती है, वो स्टेट्स में लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो ये पावर का डिवीज़न हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं सॉवरनिटी का डिवीज़न है, पर नहीं, स्कॉलर्स का मानना है ये सॉवरनिटी का डिवीज़न नहीं होता, ये शक्तियों का विभाजन होता है, पावर का डिवीज़न होता है। सॉवरनिटी तो एक ही पर्सन के पास रहती है, सॉवरनिटी तो एक ही पर्सन के पास रहती है, और वो होता है हमारा मेन
जो सेंटर है, जो स्टेट है, उसके पास सॉवरनिटी होती है, और ये तो शक्तियों का विभाजन है, दैट इज़ नॉट द डिवीजन ऑफ सॉवरनिटी, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ पावर्स, जिससे पूरी कंट्री को अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है। तो एक और इसेंशियल एलिमेंट हमें समझ आ गया कि सॉवरनिटी जो है वो इनडिविजिबल होती है और इनअलाइनेबिलिटी होती है। यहाँ पर एक और बात आपको बता दूँ कि अगर मान लो किसी सॉवरन का अबडक्शन हो जाता है या किडनैप, अबडक्शन दो नोट इज किडनैपिंग, अबडक्शन, अबडक्शन मतलब कोई सॉवरन है देश का, कोई मेन हेड है देश का, और उसको किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया, वर्ड इज अबडक्ट मेन है, तो क्या सॉवरनिटी खत्म होगी? नहीं, एक सॉवरन को अबडक्ट करने से सॉवरनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। जो नया सॉवरन, जो नया वहाँ पे पर्सन आएगा, नया हेड आएगा, फिर वो सॉवरन बन जाएगा, उसके पास सॉवरनिटी आ जाएगी। आई होप आपको ये फीचर्स भी समझ आ गई होंगी। अब हम सॉवरनिटी के इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं। अब आज की वीडियो में लास्ट चीज डिस्कस करेंगे सॉवरनिटी के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कितनी तरह की सॉवरनिटी होती है। तो मेरे दोस्तों, सॉवरनिटी बेसिकली इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल सॉवरनिटी और एक होता है एक्सटर्नल सॉवरनिटी। अगर मैं इंटरनल सॉवरनिटी की बात करूं, ये कंसेप्ट जीन बोडिन ने डेवलप किया था। जीन बोडिन हमारे स्कॉलर हैं, उन्होंने इंटरनल सॉवरनिटी का कंसेप्ट दिया था, डेवलप किया था। और एक्सटर्नल सॉवरनिटी की बात करूं तो ह्यूगो ग्रोटियस, जिसको कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है, उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया था, इस कंसेप्ट को दिया था। मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंटरनल सॉवरनिटी का मतलब क्या होता है। इंटरनल सॉवरनिटी का मतलब है कि एक स्टेट अपने इंटरनली अपने लोगों को रेगुलेट कर सकती है। इसका मतलब है एक स्टेट इंटरनली अपने लोगों के लिए लॉज बना सकती है, मेकिंग ऑफ लॉज, और उन लॉज को एनफोर्स भी कर सकती है, एनफोर्सिंग ऑफ दीज लॉज। इंटरनल सॉवरेंटी, इंडिया इंटरनली सॉवरन है क्यों? इंडिया अपने पूरी कंट्री के लोगों के लिए कानून बना सकती है। इंडिया सॉवरन है क्यों? इंटरनली क्यों? क्योंकि इंडिया उन लॉज को लोगों के ऊपर इम्पोज भी कर सकती है, इन्फोर्स भी कर सकती है। तो इंटरनल सॉवरनिटी में यही आता है कि जो एक देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए जा सकते हैं, उनको एनफोर्स भी किया जा सकता है। यही बात अगर एक्सटर्नल सॉवरनिटी की जाती है, तो इसको ह्यूगो ग्रोटियस ने डेवलप किया था। इसका मतलब होता है कि एक जो कंट्री है, वो अपने लोगों के अलावा फॉरेन कंट्रीज, जो दूसरी देश हैं, उनके साथ रिलेशन बना सकती है, फॉरेन रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, फॉरेन पॉलिसीज बना सकती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकती है। क्यों बना सकती है? एक्सटर्नल सॉवरनिटी की वजह से। आज इंडिया अमेरिका के साथ और रशिया के साथ रिलेशन बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि इंडिया एक्सटर्नली भी सॉवरन है, दूसरी देशों की नज़रों में भी सॉवरन है। एक इंडिया अमेरिका रशिया के साथ रिलेशन बना रहा है, फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया एक्सटर्नली भी सॉवरन है। तो एक्सटर्नल सॉवरन का मतलब होता है कि एक कंट्री इंडिया के जो एक कंट्री अपने इंटरनल मैटर्स को तो रेगुलेट कर सकती है, वो तो इंटरनल सॉवरन हुआ। एक्सटर्नल का मतलब है वो दूसरी कंट्रीज के साथ डील कर सकती है, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बना सकती है, दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसीज बना सकती है, डिप्लोमेसीज बना सकती है। दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल सॉवरनिटी। आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स।